इस रूप में जो है हमारा दानापुर स्टेशन पड़ता है इस साइड में, और इधर से जैसे ही हम लोग जो है बिहटा की साइड जाते हैं, ये वाला रास्ता बिहटा की ओर जाता है, और वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्रॉसिंग जो है बेसिकली वो एक रेलवे फाटक क्रॉसिंग है, और वो वाला वो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारा मंदिर की तरफ जाता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ पे एक शक्तिपीठ है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे माता जी का। तो आइए जानते हैं थोड़ा लोगों से कि यहाँ की क्या खासियत है, किस लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आया करते हैं। तो हमारे साथ जो है ये चाचा जी हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों से जो है इनकी दुकान यहाँ पे है। आप ये दुकान का जो है बैनर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिनेश पूजा स्टोर। यहाँ पे पूजा पाठ का आपको सारा सामान मिल जाएगा, और चाचा जी जो है हमारे यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो आइए जानते हैं चाचा जी से कि यहाँ की क्या खूबियाँ हैं। जी बताइए चाचा जी। यहाँ मंदिर माता जी का मंदिर है, आदि शक्ति पीठ है, जिसे अगर कुआं पटन देवी आरन देवी हो गए वही है, माँ है आप रूपी है, बाढ़ के पेड़ है मंदिर, हम लोग के जन्म से पहले से है, ठीक है। यहाँ इतवार मंगल का पूर्णवासी का बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगता है, पूजा होता है, आदि शक्ति है, सच्चा दिल से जो मन्नत मांगते हैं उनको पूरा होता है, समझ गए ना, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत आदि शक्ति है। रामनवमी में दशहरा में यहाँ दुर्गा जी बैठते हैं, भीड़ लगता है, रामनवमी में मेला लगता है, लाखों लाख का संख्या का भीड़ रहता है। तो हफ्ते में जो है सबसे ज़्यादा मैं जानना चाहूँगा कि हफ्ते में किस दिन जो है सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? रविवार को, रविवार के दिन जो, और इतवार और मंगल को यहाँ बलि नहीं चढ़ता, बाकी बलि भी चढ़ता है, खसी हुआ जी जी, कान काट के छोड़ना है, मुड़ी काट के छोड़ना है वो, लेकिन इतवार मंगल छोड़ के जी बाकी सब दिन चढ़ता है बलि जी। तीन गो के यहाँ ड्यूटी रहता है, वो पंडित जी हैं मंदिर का जो ब्राह्मण है पुजारी, और वो जो खस्सी काटने के लिए वो जो पसमान जी हैं, और माली जो है जो मंदिर का सेवा सत्कार करते हैं जी, तीन आदमी के यहाँ ड्यूटी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा माना जाता है कि माता जी के सच्चे दरबार में जो कोई भी आता है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। आपके जीवन में भले ही बहुत बड़ा कष्ट क्यों ना हो,
अगर आप सच्चे मन से माता रानी के दरबार में जाते हैं और उनसे सच्चे मन से अगर प्रार्थना करते हैं ना, तो माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी और आपके हर कष्ट का निवारण होगा। दोस्तों, माता जी के सच्चे दरबार में एक बार सच्चे मन से दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।